कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मौके पर उन्होंने कुलदीप बिश्नोई पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो उसी दिशा में चल रहे हैं जहां मेल मिलाप बढ़ा, जबकि कांग्रेस ने उन्हें सब कुछ दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी में जाने से उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने ईडी की कार्रवाई पर भी प्रतिक्रिया दी। नुकसान और फायदा तो आगे समय बताएगा, लेकिन मैं समझती हूँ कि कांग्रेस पार्टी किसी भी व्यक्ति विशेष से बड़ी है, संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति अपने आप में बड़े नहीं होते, पहचान संगठन से ही होती है। जिसकी भी पहचान बनी है, कांग्रेस में उन्हें एक जगह मिली, उससे उनकी पहचान बनी। अब आगे बीजेपी में जो भी होगा वो होगा, और बीजेपी को क्या फायदा होगा, इतनी बड़ी पार्टी है तो वो देखेंगे कि क्या उनको फायदा मिलना है या नहीं। हमारे लोकतंत्र की आवाज को दबाने की कोशिश है, मैं नहीं कहती कि वो कर रहे हैं या कर सकते हैं, और असली मुद्दों से ध्यान बांटने का एक प्रयास है। क्योंकि राहुल जी, सोनिया जी, नेशनल हेराल्ड कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये सोचते हैं कि असली मुद्दे महंगाई के मुद्दे हैं। पार्लियामेंट में भी आप देख रहे हैं कैसे लोकतंत्र का गला घोंटने का प्रयास होता है, एमपीज़ को कैसे बाहर कर दिया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, कैसे ईडी के छापे डाले जाते हैं, कैसे बड़े बड़े शीर्ष नेताओं को, सोनिया जी को, राहुल जी को क्वेश्चनिंग के लिए दिन ब दिन बुलाया जाता है, जबकि सारे सारे कागजात इनके पास हैं। आज आप भी चाहें तो कहीं भी किसी साइट पर जाकर सारे कागजात देख सकते हैं, लेकिन ये ना करते हुए केवल ध्यान बांटना, और ये सोचते हैं कि कांग्रेस जन को ये किसी तरह से ऐसे डर दिखाकर कमजोर करेंगे। कांग्रेस जन डरने वाले नहीं हैं, हमारे नेता कभी इनके सामने झुकने वाले नहीं हैं।